नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे में फेज वन पैकेज टू का काम। तो भाई जो फेज वन आता है पूरा ब्राउन फील्ड फेज आता है, और जो स्टार्ट होता है दिल्ली के अक्षरधाम से और ख़त्म होता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, पूरा ब्राउन फील्ड फेज है, 32 किलोमीटर लंबा फेज है। मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एलिवेटेड सेक्शन है, और ये जो वीडियो होने वाली है फेज वन पैकेज टू का काम। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फेज वन पैकेज टू का काम जो स्टार्ट होता है भाई खजूरी के थोड़े से आगे से स्टार्ट होता है, जहाँ से बॉर्डर लग जाता है, दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर लगता है। लेकिन जो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ वो थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ से खजूरी फ्लाईओवर स्टार्ट होता है। गेट स्टार्टेड वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ खजूरी चौक, और खजूरी चौक पर एक एग्जिट दिया हुआ है इन्होंने जो सीधे सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे, और एक्सप्रेस वे सामने निकल जाता है खजूरी चौक का फ्लाईओवर क्रॉस करके ईपीई सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के ठीक नीचे, और सामने भाई उधर से देख रहे होंगे, उधर से अक्षरधाम से आ रहा है एक्सप्रेस वे और इधर निकल जाता है लोनी होते हुए, पावी पुस्ता होते हुए ईपी सेक्शन की तरफ। और ये सारा जो पोर्शन होता है ये सारा पोर्शन एलिवेटेड सेक्शन है भाई। इधर जो है ना ये मेजर पॉइंट कहलाया जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का। इधर भाई नीचे आप देख रहे होंगे नीचे रोड भी जा रही है, मैं अभी फ्लाई ओवर पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मेट्रो की लाइन जा रही है, उसके ऊपर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जा रहा है। दोस्तों आपने लास्ट शॉट जो देखा था वो जो बस जा रही है, मैं वहाँ पे खड़ा था, मैंने आपको वहाँ से दिखाया था, वो खजूरी का फ्लाईओवर है और ऊपर ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जा रहा है भाई इस साइड से। और इधर से पावी पुस्ता लोनी होते हुए ईपीई सेक्शन खेड़ का एक जगह है, वहाँ पे जाके ये टर्मिनेट हो जाता है। मोस्टली जो पोर्शन है वो सारा एलिवेटेड पोर्शन है, जहाँ जहाँ सरफेस पोर्शन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इधर आप देख ही रहे होंगे भाई वो मेट्रो की लाइन का काम चल रहा है और उसी के ऊपर एक्सप्रेस वे जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से एक्सप्रेस वे हल्का हल्का डिसेंड करना शुरू कर देता है और नीचे सरफेस एरिया की तरफ आने लगता है। भाई यहाँ पे रोड की कंडीशन ना बहुत ही खराब है, अभी बहुत ज्यादा खराब है। अभी जहाँ पे मैं चल रहा हूँ जो सर्विस रोड यूज हो रही है आने और जाने के लिए ना, एक ही सर्विस रोड यहाँ पे चालू कर रखी है, अभी उधर से ही आ रहे हैं उधर से ही जा रहे हैं, बीच में से पार्टिंग करी हुई है और रोड बहुत ख़राब है भाई, सच में बहुत ख़राब रोड है। और दुरुस्त भी ये तभी होगी भाई रोड जब ये एक्सप्रेसवे का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मैं पहुंच गया हूं पिलर नंबर P189, और P189 जो है भाई वो लास्ट पिलर है खजूरी के बाद, जहां से एक्सप्रेस वे बिल्कुल सरफेस एरिया की तरफ आ जाता है। तो भाई यहां पर एक्सप्रेस वे ठीक सरफेस एरिया पर है, एलिवेटेड सेक्शन पे नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं बिहारीपुर वाले अंडरपास पर, और यहां पर भाई एक अंडरपास दिया हुआ है बिहारीपुर के लिए, या जो भी सर्विस रोड से यू टर्न लेना चाहता है वो इस अंडरपास का यूज़ कर सकता है। बहुत बड़ा अंडरपास नहीं है लेकिन छोटा सा एक अंडरपास है, जो भी खजूरी के लिए यू टर्न लेना चाहते हैं उस तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं, ये एक अंडरपास दिया हुआ है। एक छोटा सा अंडरपास यहाँ पर भी दिया हुआ है, और भाई बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है करावल नगर का। तो भाई यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है करावल नगर का, और राइट साइड से अगर आप इस अंडरपास से कट लेते हैं तो भाई करावल नगर जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बोर्ड दिया हुआ है ट्रोनिका सिटी के लिए लेफ्ट और सहारनपुर सीधे जाने के लिए बोल रहे हैं साहब।
दोस्तों अभी जो मैं चल रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे चल रहा हूँ, 3 लेन आने के लिए 3 लेन जाने के लिए, तो टोटल 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे होगा। और यहाँ पर मैं आपको स्पीड भी दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पर जो स्पीड लिखी हुई है वो 60 किलोमीटर की लिखी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं। और सामने आ जाता है भाई टोल गेट, 1 किलोमीटर पर है। दोस्तों ये जो रोड है ये सर्विस रोड है, उस तरफ जो है वो एक्सप्रेसवे की रोड जा रही है, और यहीं पर ठीक सामने आपको दिख जाएगा वो सामने टोल बनता हुआ नजर आ जाएगा आपको। अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है टोल, टोल प्लाजा भी बनके तैयार नहीं हुआ है। और ये वाली जो रोड जा रही है ये गगन विहार के लिए रोड जा रही है, गगन विहार रोड बोलते हैं इसको। और इधर से ही एक एंट्री दी हुई है एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पर आपको टोल बनता हुआ नजर आ जाएगा। सामने देखिए लेन अभी आधी अधूरी बनी है, टोल प्लाजा भी अभी आधा अधूरा बना है। यहाँ पर फिलहाल टोल प्लाजा पे ये रेलिंग्स भी लग चुकी हैं, यहाँ पर येलो कलर्स की रेलिंग लग रही है। तो स्पीड दोस्तों फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर 60 की स्पीड है क्योंकि टोल प्लाजा नजदीक है। जैसे ही आप टोल प्लाजा से आगे जाएंगे तो आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी 100 की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। ये बोर्डिंग आ गई है 100 की स्पीड की, यहाँ पर गाड़ियाँ आप 100 की स्पीड पर चला सकते हैं। फिलहाल एक्सप्रेसवे जो चला जाता है ऊपर फिर से थोड़ा सा एलिवेटेड सेक्शन पर चला जाता है क्योंकि नीचे एक अंडरपास फिर से दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर आपको बहुत अंडरपास देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप दिल्ली से बाहर आते हैं तो एक्सप्रेसवे पर आपको बहुत सारे अंडरपास देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसका रूट बता देता हूँ। मेन रूट जो है इसका दिल्ली से सहारनपुर और फिर देहरादून, और इसको अगर मैं बायरिफर्केट करता हूँ, इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ, तो दिल्ली से ईपीई सेक्शन 1 बनेगा जो अक्षरधाम से स्टार्ट होगा, पूरा 32 किलोमीटर का होगा। और एक इंटरसेक्शन बनेगा जहाँ पर ये ख़त्म होगा, खेड़ का एक जगह है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बागपत के पास में, वहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो होगा पूरा 32 किलोमीटर का होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सहारनपुर तक का जो होगा 118 किलोमीटर लंबा पूरा स्ट्रेच होगा, जिसमें 7 इंटरचेंजेस होंगे, 60 अंडरपासेस होंगे। ये पूरा जाएगा ईपीई से और सहारनपुर तक। दोस्तों अब मैं आ जाता हूं एक्सप्रेसवे के उस पॉइंट पर, उस सेक्शन पर जहां से एक्सप्रेसवे शिफ्ट हो जाता है एलिवेटेड सेक्शन पर। और ये एलिवेटेड सेक्शन लोनी तिराहे से स्टार्ट होकर और ईपीई सेक्शन पर जाकर ख़त्म होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है और सर्विस रोड बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पर टर्मैक डाल दिया गया है। लोनी तिराहे से और मंडोला विहार तक जो सर्विस रोड की स्थिति है वो ठीक नहीं थी। यहाँ पे सर्विस रोड बनाने का काम अभी चालू होगा। काफ़ी जगहों पर सर्विस रोड बना दी गई थी लेकिन काफ़ी जगहों पर टूटी हुई भी थी। तो दोस्तों हुआ यूँ कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब मुझे लगा कि मेरे माइक में मेरी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जब मैंने सारे सीन दोबारा देखे, मैं एडिटिंग टेबल पर बैठा तो भाई ऑडियो बिल्कुल फेल हो चुकी थी, मेरे माइक ने धोखा दे दिया था। तो इस वजह से बहुत सारी जगहों पर आपको वॉइस ओवर सुनने को मिल रहा होगा। ये वीडियो मैंने शूट कर ली थी, उसके बाद मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर देना पड़ा था। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ मंडोला विहार, और मंडोला विहार में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है एक्सप्रेसवे थोड़ी देर के लिए सरफेस एरिया पर आया है। अब ये सरफेस एरिया पर क्यों आया है ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ मंडोला विहार आवासीय योजना के जो फ्लैट्स हैं उसके ठीक सामने, और एक्सप्रेसवे जो स्टार्ट होता है लोनी तिराहे से एलिवेटेड सेक्शन पे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आकर उसका एलिवेटेड सेक्शन ख़त्म होता है। और यहीं पे आप देख रहे होंगे ये एक्सप्रेसवे जा रहा है आगे की ओर, और थोड़ी सी और आगे जाने पर फिर से एलिवेटेड सेक्शन पर आ जाता है। यहाँ पर सरफेस एरिया पर क्यों आया है, क्योंकि यहीं पर एक एंट्री दी हुई है एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए, मंडोला विहार आवासीय योजना के ठीक सामने। दोस्तों अभी जो मैं निकला हूँ मंडोला विहार से ठीक
आगे की ओर चल रहा हूँ और यहाँ पर एक्सप्रेस वे जैसा कि मैंने आपको बताया था फिर से एलिवेटेड सेक्शन पे आ जाएगा। पिलर नंबर P12 है, P13 है और कहीं कहीं पर जो है सर्विस रोड बढ़िया करके बनाई हुई है। अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो यहाँ पर सर्विस रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक बनी हुई है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस वे हल्का सा लेफ्ट घूम जाता है, लेफ्ट की साइड में चला जाता है। एक्सप्रेस वे का फेज वन का काम है ज्यादातर एलिवेटेड सेक्शन पर ही है। एलिवेटेड सेक्शन ज्यादातर जो दिया जाता है वो ब्राउन फील्ड फेज में ही दिया जाता है क्योंकि भाई यहाँ पर सरफेस एरिया पर बनाने के लिए इतनी जगह नहीं होती है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक होता है उसको भी रन कराना होता है और जो एक्सप्रेस वे होता है वो एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे होता है, उस पर लोकल ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं दिया जाता है या बहुत ही लिमिटेड सेक्शन के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी ईपीई एक्सप्रेसवे पर, वो सामने ईपीई एक्सप्रेसवे जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ऊपर भाई एलिवेटेड सेक्शन है वो सारा और यहां पर आकर सरफेस एरिया हो जाता है, यहां पर आकर इसका ब्राउन फील्ड फेज ख़त्म हो जाता है और एक्सप्रेसवे सीधे चला जाता है बागपत होते हुए और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर में कन्वर्ट हो जाता है। और इधर ये सामने आप देख ही रहे होंगे ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।